So far, we were talking about uh, you know summarizing the data, where we were summarizing or describing the whole distribution into one single value. Now we will move ahead and we will focus on individual scores within the distribution. Uh, हमने जब mean and standard deviation simple raw scores usually हमें कोई information इतनी ज़्यादा नहीं देता। मतलब अगर आपके test score uh, stats ka test है और आपका score uh, sixty तो मे बी सिक्सटी मेरे लिए इनफ़ इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बाद अगर मुझे मीन भी पता चल जाए आपके ग्रुप की तो इट विल एड मोर इन्फॉर्मेशन कि अच्छा आप मीन से ऊपर हैं या एवरेज से नीचे हैं मसलन आपके ग्रुप की मीन सेवेंटी है तो इसका मतलब मुझे आइडिया होगा कि आप बिलो एवरेज आपके स्कोर्स हैं क्लास के अंदर उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड एवियशन की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करें तो इट गिव मोर इन्फॉर्मेशन बट स्टिल हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चलती कि एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल हमारा स्कोर कहाँ पे है या कैसे है सो so बेसिकली आज हम बात करेंगे जेड स्कोर्स की जिनको स्टैंडर्ड स्कोर्स भी कहते हैं जेड स्कोर्स क्या है इन वर्ड द टेलर्स जेड स्कोर्स बेसिकली आर आपको स्टैंडर्ड स्कोर्स जिस जो हमें किसी भी इंडिविजुअल की उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं कि वो बंदा या वो इंडिविजुअल या वो स्कोर कहाँ पे लाई करता है और एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है जेड uh, स्कोर्स के लिए बेसिकली दे अलाउ आस क्यों इंपॉर्टेंट इन दर स्कोर बिकॉज दे अलाउ आस टू कम्पेयर टू स्कोर कमिंग फ्राम टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मसलन फर्ज करें कि अगर आपने uh, आपकी साइकोलॉजी uh, में आप बी एस कर रहे हैं आपका स्टार्ट का भी स्कोर है और साथ में आपका सोशल साइकोलॉजी का भी स्कोर है आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का भी स्कोर है सो यू हैव डिफरेंट स्कोर्स और हर स्कोर का आपके पास मीन भी है और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन भी है लेकिन स्टिल वो इस तरह कम्पेयरेबल नहीं हो सकते क्यों क्योंकि हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते जी स्कोर्स अलाउ अस टू कंपेयर योर ओन परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशनस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड योर स्टैंडिंग एक्चुअली कि आपकी अपनी क्लास में अपनी रिलेटिव क्लास में आपकी स्टैंडिंग कहाँ पर है आपकी लोकेशन कहाँ पर है सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें विद uh, इन एक एक इंडिविजुअल के स्कोर्स डिफरेंट टेस्ट के ऊपर और फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को भी कम्पेयर uh, करने में हेल्प करते हैं क्योंकि जब आप किसी भी स्कोर को जी uh, स्कोर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दैट यू कैन कंपेयर विद एनी अदर जी स्कोर चाहे वो इंटेलिजेंस का है पर्सनालिटी का है किसी भी अदर डिस्ट्रीब्यूशन से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन ज़ीरो होती है और स्टैंडर्ड एविएशन वन होता है कैसे वी विल डू विथ सर्टन एग्जाम्पल्स इन लिटल वाइल ये हमने बात कर ली है जी स्कोर आर यूजफुल बिकॉज इट अलाउज़ रिसर्च टू कैल्कुलेट द प्रॉबिलिटी ऑफ अ स्कोर अक्रिंग विद इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि वो हमें प्रॉबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी स्कोर का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आने की प्रॉबिबिलिटी कितनी है एनेबल्स अस टू कम्पेयर टू स्कोर्स दैट आम डिफरेंट जाम्पल्स यस दैट्स द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द जी स्कोर्स के आप स्टैंडर्ड स्कोर्स में रॉ uh, स्कोर को कन्वर्ट करने के बाद आप उसको कम्पेयर कर सकते हैं किसी भी अदर कि डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी अदर कंस्ट्रक्ट और किसी भी uh, एक ही इंडिविजअल की डिफरेंट परफॉर्मेंसेज के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं आनटिल और इन द स्टैंडर्ड स्कोर सो जेड स्कोर हमें अलाउ करते हैं किसी भी स्कोर की उसकी एग्जैक्ट लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए और ये आपके सामने स्क्रीन पे एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जेड स्कोर्स हैं जेड स्कोर्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं एक तो उनके साइन यानी वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं और दूसरा उनकी नमेरिकल वैल्यू जो कि जेड स्कोर्स की वैल्यू है अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन पर देखें तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन का देख सकते हैं कि मीन हमारा ज़ीरो है और स्टैंडर्ड एवियेसन इसकी वन है सो so, हम किसी भी जेड स्कोर के लिए उसका जब एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो उतनी उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं उसके उस स्कोर को उस एरिया में अक्कर के लिए फॉर uh, इंस्टेंस अगर हम जी स्कोर यूजली अगर हम थ्री स्टैंडर्ड एविएशन राइट साइड पे और थ्री स्टैंडर्ड एविएशन लेफ्ट साइड पे आएँ तो हम ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द एरिया नॉर्मल कर्व का कवर कर लेते हैं सो प्लस माइनस अगर थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन जेड स्कोर्स हम जाएं तो हम ऑलमोस्ट 99 नाइन परसेंट एरिया नॉर्मल कर्व पे कवर कर लेते हैं और अगर हम टू स्टैंडर्ड डिविएशन तक जाएं यानी uh, यहाँ से यहाँ तक तो हम ऑलमोस्ट 95 फाइव परसेंट एरिया कवर कर लेते हैं और प्लस माइनस वन स्टैंडर्डिएशन या जेड स्कोर्स के अंदर हम सिक्सटी एरिया कवर कर लेते हैं तो जैसा आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की सारी पीक सेंटर में है तो अगर हम वन स्टैंडर्ड एवियेशन प्लस माइनस जाएं तो हम 68 परसेंट एरिया उसका कवर कर लेते हैं सो तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी किसी रॉ स्कोर को मैं कन्वर्ट कर दूंगी जेड uh, स्कोर्स के अंदर तो मैं उसको एग्जैक्टली exactly लोकेट भी कर सकती हूं इस डिस्ट्रीब्यूशन में कि वो जेड स्कोर कहां पे है बाय दीज नंबर्स और फिर मैं उसकी प्रॉबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकती हूँ बाई फाइंडिंग आउट द area of the distribution we will do some numericals in the next few slides to you know uh, know more about how actually any raw score can be converted to z score and then z score again converted to standardized scores again